कन्नौज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के शव को उसके घर के बाहर एक रिक्शा वाला छोड़कर फरार हो गया। शव को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों का कहना है कि व्यक्ति को गोली मारी गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जा रही है। और मैं कतरागांव कसावा है, उसी गांव की घटना है ये। मैं कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय संयोजक हूँ चुनाव प्रबंधन का, क्योंकि मेरे गांव की घटना है और ये घटना हुई है इसको मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसका मर्डर हुआ है वो न्याय सीधा है, और एक रिक्शा चालक जो लेके आ रहा गाँव का तेली, वो भी अपना रोज का व्यापार करता है, कहीं वो भी क्रिमिनल नहीं है। ये लोग भी बहुत सीधे हैं। मर्डर कैसे हुआ ये अभी जांच का विषय है। एक गोली बता रहे हैं, एक गोली लगी हुई है जो अभी बताया गया, डॉक्टर बता रहे हैं कि एक गोली लगी है जी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये घटना कैसे हो गई। शकील नाम का एक 25 वर्ष का व्यक्ति जो कि कसावा के रहने वाले थे, भाई उनकी डेड बॉडी लेकर यहाँ आए हैं। अब इसको प्रथम दृष्टया हम लोग मौके पर घटनास्थल पर आए हैं, उसकी अभी जांच पड़ताल करने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी।